हाय फ्रेंड्स, आए कुछ नया करे में फिर आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही जरूरी एक टिप्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक प्रॉब्लम होते हैं, बस में चढ़ते ही उल्टी शुरू हो जाते हैं मोशन सिकनेस। ऐसा होते हैं क्यों और ये रोकना चाहिए, कैसे रोकेंगे, को लेकर ही एक ट्रिक्स नहीं हम 5 से 6 ट्रिक्स आपको शेयर करेंगे। घर से बाहर जाएंगे, बाहर का बात तो छोड़िए, हम जाएंगे बहुत दूर और इसके लिए हमें तो बस पर चढ़ना ही पड़ेगा या तो प्राइवेट कार करना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए, नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे, हम जाएंगे भी कैसे। तो इसलिए हमारा ये होते हैं, बस में चढ़ना जरूरी है, काम तो करना जरूरी है, लेकिन बस पर चढ़ेंगे और उल्टी भी करेंगे, इसके लिए हमारा शरीर सुस्त नहीं रहता है। हम जिस खुशी से बाहर निकलते हैं और अगर उल्टी हमारा शुरू हो जाएंगे तो क्या होंगे, मन टूट जाएंगे और खुशियाँ भी जाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बहुत ही आसानी है इसको रोकना। हम जब जाते हैं बाहर, वो क्या टैबलेट हमें मिलता है, ओनेम जैसा टैबलेट, वो हम क्या करता है, खरीदते हैं बाजार से और खा लेते हैं, लेकिन तभी भी रोकते नहीं। अगर ये टिप्स हम जो आपको बता रहे हैं ये आप फॉलो करेंगे तो देखिए आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई बैड इफेक्ट भी नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको रोक पाएंगे। तो देर क्यों फ्रेंड्स, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब की लीजिएगा। अगर आप बेल बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो वीडियो पाने के लिए, ठीक समय पर पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए हम चले जाते हैं हमारा ट्रिक्स पर। नंबर 1, हम जब बस पर चढ़ते हैं तब हमारा एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बस का जो सामने वाला सीट है वो हमको चूज़ करना चाहिए। अगर हम पीछे वाला जो सीट है वो चूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमको लगेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा तेज से दौड़ रही है और शुरू हो जाएंगे मोशन सिकनेस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अब बस में चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अब सामने वाला सीट को चूज़ कीजिए, अगर नहीं तो नहीं है, लेकिन पीछे में बैठना नहीं है। हम चला जाएंगे 2nd नंबर टिप्स पर। हम कोशिश करेंगे बस पर चढ़ेंगे लेकिन हमको चाहिए विंडो साइड, दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, हमें हवा लगाना चाहिए, हवा पे जो ऑक्सीजन है वो हमको लेना पड़ेंगे। तो इसी से क्या होगा, हमारा शरीर सुस्त रहेंगे, मोशन सिकनेस नहीं आएगा और हम बस पर चढ़कर सीट पर बैठकर अगर हम बस का अंदर देखते ही रहे तो क्या होगा, इससे हमारा चिंता फिर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम देखेंगे बाहर पर, हमारा जो 2 आँख वो रहेंगे बाहर पर, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा चिंता भी नहीं होगा। हम चले जाएंगे 3rd नंबर टिप्स को। ये बहुत ही एक आसानी टिप्स है फ्रेंड्स, हमारा सबके हाथ में ये चीज़ रहता है, आपको भी मेरे भी सब लोगों का, न्यूज़पेपर कागज है ना, पेपर का टुकड़ा। तो हम जब सीट पर बैठेंगे, बस के अंदर सीट पर बैठेंगे, जो सीट पर बैठेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, वो सीट के ऊपर हमें न्यूज़पेपर जो कागज है उसको डाल देना चाहिए, पूरा से पूरा ढक देना चाहिए सीट को, उसके ऊपर हमको बैठना चाहिए। देखिएगा और नहीं आपको उल्टी आएगा और चिंता भी नहीं रहेगा, निश्चिंत से आप यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रिक्स है वो बहुत ही आसान टिप्स है। हमारे घर में, हर किचन में अदरक रहता है, ये अदरक ये जो उल्टी रोध करने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब बस पर चढ़ेंगे एक अदरक का टुकड़ा मुख पर लीजिएगा, देखिएगा ऐसा उल्टी भाव आपको नहीं आएगा, आप निश्चिंत से यात्रा कर सकते हैं। और भी ट्रिक्स है फ्रेंड्स, हमारा हर घर पर, हर किचन पर, डिब्बा के अंदर, छोटे डिब्बा के अंदर लवंग रहता है, लवंग हम यूज़ करते हैं किचन में, हर सब्जी में यूज़ करते हैं। तो आप जब बस पर चढ़ेंगे 2 से 1 लवंग लीजिएगा मुँह के अंदर और देखिएगा
आपका उल्टी भाप नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हम जब बस पर चढ़ते हैं हमारा एक डर लगता है कि उल्टी होगा। ये चिंता मत कीजिए, ये चिंता से हमारा मन फिर वीक हो जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं और उल्टी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है, आप ये चिंता मत कीजिए, ये चिंता से अपने मन को दूर रखिए, देखिएगा उल्टी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, दारूचीनी का आपको पता है जो गरम मसाला हम यूज करते हैं से दारूचीनी है। दारूचीनी एक टुकड़ा हमारा मुंह पर लेना चाहिए, ये हजम में बहुत मदद करते हैं और उल्टी से हमको दूर रखते हैं। अगर आपको उल्टी का चिंता है, अब बस पर चढ़ना भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ ट्रिक्स छोड़िए, आप हाथ पर रखिए एक खट्टा फ्रूट, जैसे कि नींबू, जैसे कि ऑरेंज। ये ऑरेंज आपको खाना पड़ेगा। जब उल्टी का भाव आपका शरीर में आएगा तो आप ऑरेंज खा लेना। ऑरेंज खाने के बाद देखिएगा उल्टी का भाव चला जाएगा, क्योंकि ये एक खट्टा फल। फ्रेंड्स, नींबू का पत्ता जो है वो उल्टी रुकने में बहुत ही मदद करता है। अगर कुछ ना हो आपके पास तो नींबू का पत्ता अब रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं पुदीना पत्ता को, ये बहुत कार्यकारी है, हमारा बहुत मदद करता है, हजम में मदद करता है, उल्टी भाप रोकने में मदद करता है। तो ये पुदीना पत्ता आप चाय बनाकर खा सकते हैं, पुदीना पत्ता का जो रस है वो आप खा सकते हैं, इससे आपका उल्टी भाप नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से चला जाएगा। बहुत ही ट्रिक आपको बताया हमने। तो हम एक बहुत ही बड़ा भूल करते हैं, बस पर चढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन जो आपसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब स्मार्टफोन को, तो स्मार्टफोन को हम क्या करता है, ऐसे 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 घुमाते हैं, देखते हैं, नेटवर्क सर्च करते हैं, ये सब करते हैं। तो क्यों करते हैं, इससे हमारा उल्टी भाव ज़्यादा आएगा। अगर आप बस पर चढ़ेंगे, देखेंगे आप मोबाइल फोन कहाँ पर है, अब बैग के अंदर रखिए, हाथों पर नहीं, आपका दो आँख मोबाइल फोन पर रखना नहीं चाहिए। ऐसे होने से आपका उल्टी भाव ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और हम क्या करते हैं, कुछ ना हो तो हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और भाई बुक्स पढ़ते हैं हम, वो भी बहुत बड़ा भूल है। बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए बस पर चढ़ के, इससे उल्टी भाव ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। हम सोचते हैं इससे उल्टी भाव चले जाएंगे, किंतु नहीं, इससे ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप ऐसा मत करना। आप सिर्फ इस समय सिर्फ आपको चाहिए हवा, हवा की ऑक्सीजन, ये चाहिए। ऐसे करने से आप निश्चित यात्रा कर सकते हो, उल्टी भाव आपका नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स को फॉलो करने से आप बहुत ही बहुत आसानी से यात्रा कर पाएंगे। हमने पहले भी बोला और अभी भी बोलते हैं, आपका यात्रा शुभ हो, आप सुस्त रहना और अपना शरीर के ऊपर नजर रखना। हम तो अभी बाय बाय करेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे एक नया ट्रिक के साथ। गुड बाय।